नमस्कार। मौसम समाचार। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का असर जारी। कोहरा भी लगातार बढ़ा रहा लोगों की मुसीबतें। दिल्ली में दो दिनों तक छाया रहेगा घना कोहरा। झारखंड में बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। आज भी कई इलाकों में होगी बारिश। वज्रपात को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मौसम समाचार अब विस्तार से। झारखंड की राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में कल शाम 4 बजे के आसपास कुछ देर तक बारिश हुई। राज्य भर में नए साल की शुरुआत से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में कोहरे और बादल होने की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। हालांकि इस वजह से ठंड में कमी होने की वजह से लोगों को राहत मिली, लेकिन कोहरे की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि मौसम साफ होने के बाद राजधानी वासियों को एक बार फिर से ठंड का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए राज्य के चतरा, गढ़वा, लातेहार और पलामू जिले में वज्रपात होने की आशंका जताई है। लोगों को इस बारे में अलर्ट रहने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने 7 और 8 जनवरी की सुबह कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है। 6 जनवरी यानी कि आज राज्य के उत्तर पश्चिम और मध्य भागों में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश होने की आशंका जताई गई है। इसका असर गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़ आदि जिलों में देखने को मिल सकता है। 7 जनवरी से सुबह में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रहेगा। इसके बाद आसमान मुख्यतः साफ हो जाएगा, मौसम शुष्क बना रहेगा। 6 और 7 जनवरी को उत्तरी और दक्षिण पूर्व भागों में कहीं कहीं मध्यम दर्जे का कोहरा देखा जा सकता है। इसका असर गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, देवघर, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां जिले में देखने को मिल सकता है। राजधानी रांची में पश्चिमी विक्षोभ का आंशिक असर देखने को मिला। राज्य भर में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है और इसके बाद धीरे धीरे ठंड कम होती जाएगी। शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है। शुक्रवार दोपहर बाद मध्यम दर्जे की बारिश के बाद शनिवार को भी मध्यम दर्जे की बारिश होने की आशंका जताई गई है। वहीं रविवार को भी बादल छाए रहने का अनुमान जताया गया है। बारिश की वजह से न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि बारिश समाप्त होने के बाद ठंड का प्रकोप एक बार फिर से लोगों को सताएगा। शाम होते ही कनकनी बढ़ जाएगी। राजधानी रांची में अगले 5 दिनों तक मौसम में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। 6 जनवरी को राजधानी में हल्के दर्जे की बारिश होगी और बादल छाए रहेंगे। 7 को भी बादल छाएगा। 8 को सुबह ही कोहरा और बाद में आंशिक बादल छाए रहेंगे। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक अभी पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है। इसी के साथ कोहरा भी लोगों की मुसीबतें बढ़ा रहा है। दिल्ली में 2 दिनों तक घना कोहरा छाया रहेगा। वहीं 3 दिनों के बाद राजधानी में कुछ इलाकों में हल्की बारिश का भी अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश के बाद तापमान में गिरावट आ सकती है। राजधानी दिल्ली में आज भी कोल्ड डे रहने वाला है और धूप खिलने के आसार नहीं है। पूरे दिन बादल छाए रहने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर अभी जारी रहेगा। राजधानी दिल्ली में आने वाले 2 दिनों तक घना कोहरा छाया रहेगा। वहीं 3 दिनों के बाद 9 और 10 जनवरी को राजधानी के कुछ इलाकों में हल्की बारिश का भी अनुमान जताया गया है। बारिश के बाद ठंड में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वहीं राजस्थान के कई इलाकों में भी ठंड का कहर जारी है। सिरोही जिले के माउंट आबू में न्यूनतम पारा 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। उत्तर भारत में भीषण कोहरे के चलते ट्रेन और फ्लाइट की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है। कई ट्रेन और फ्लाइट्स अपने समय से काफी लेट चल रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी बर्फीली हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक मुसीबतें अभी कम होने वाली नहीं है। राज्य के कई जिलों में घना कोहरा और शीतलहर चलने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी 6 जनवरी को राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के अलग अलग हिस्सों में भीषण से बहुत भीषण ठंड रहने वाली है। ठंड की वजह से लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी सर्दी और ज्यादा बढ़ने के आसार हैं। दिल्ली समेत राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब में आज कोल्ड वेव की आशंका जताई गई है। ऐसे में लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस का अंदाजा लगाया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ के असर से नई दिल्ली में 9 और 10 जनवरी को बारिश की आशंका जताई गई है। खराब मौसम के बीच दिल्ली में AQIB ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। दिल्ली के 7 इलाकों में हवा गंभीर श्रेणी में बनी रही। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के अलग अलग हिस्सों में 6 जनवरी के दौरान भीषण से बहुत भीषण ठंड रहने की आशंका है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रहेगा।
जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश में घने कोहरे के साथ कई जिलों में हो रही बारिश ने कपकपी और बढ़ा दी। शुक्रवार को राज्य के 20 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई। कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में 11 जनवरी तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। 11 जनवरी तक राज्य के अलग अलग जिलों में बारिश होने की आशंका जताई गई है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 10 जनवरी के बाद से ठंड और बढ़ने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 14 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, नर्मदापुरम, सागर, बैतूल, जबलपुर, कटनी, मंडला, उमरिया, डिंडौरी, शहडोल और अनूपपुर जिलों में आज बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।